अक्षय कुमार की बाकी फिल्मों से अलग है पृथ्वीराज, जाने कैसे। अक्षय कुमार को साल भर में कई फिल्में रिलीज करने के लिए जाना जाता है। अक्षय कभी भी फैंस की नजरों से ओझल नहीं होते हैं। उनकी एक फिल्म जाती है तो दूसरी आ जाती है। साल भर में अक्षय कुमार कई फिल्मों को साइन कर लेते हैं। ऐसे में अब उनकी नई फिल्म पृथ्वीराज चर्चे में बनी हुई है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म अक्षय की बाकी फिल्मों से अलग है। ऐसा क्यों, आइए हम बताते हैं। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों को जितनी जल्दी साइन करते हैं उतनी ही जल्दी उनकी शूटिंग को भी पूरा कर लेते हैं। अक्षय अपने रूल्स पर खेलते हैं, इससे वो अपने परिवार को भी भरपूर समय दे पाते हैं। एक सूत्र ने बताया है कि ये चीज पृथ्वीराज के मामले में थोड़ा बदल गई है। पृथ्वीराज का शेड्यूल अभी तक सबसे लंबा रहा है। सूत्र ने बताया इस पूरी फिल्म को शूट होने में 110 दिनों का समय लगा है। अक्षय कुमार की एक फिल्म को आमतौर पर पूरा होने में 30 से 40 दिन लगते हैं, इसलिए उनकी ज्यादा से ज्यादा फिल्में रिलीज हो पाती हैं। लेकिन इस फिल्म ने सब बदल दिया है। सूत्र ने बताया कि पृथ्वीराज में VFX का काफी इस्तेमाल हुआ है, इसके चलते ज्यादातर फिल्म को ग्रीन क्रोमा स्क्रीन पर शूट किया गया है। फिल्म के बारे में सूत्र आगे बताता है, सोनू सूद पिछले 3 दिन से शूटिंग कर रहे थे। मानुषी चिल्लर और संजय दत्त ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। अब फिल्म को 21 जनवरी 2022 को रिलीज के लिए तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी की निगरानी में पृथ्वीराज का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। साउथ अफ्रीका के एक्शन डायरेक्टर फ्रांस सेल्फहाउस ने इस फिल्म के एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया है। इससे पहले उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, फोर्स और कमांडो जैसी फिल्मों के एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया था। सर सामने, सर 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 सर